किसान भाइयों जोहार। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारी रबी मौसम में अभी सरसों की फसल जो है वो लगी हुई है, तो खास करके आप अभी देखेंगे जैसे हमारी सरसों की फसल आपके खेत में है, तो अभी सबसे पहले आप देखें कि आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 से 3 निराई गुराई करनी पड़ती है, तो जो आप खरपतवार हैं इसको आप निकाल दें। और साथ में या आप कोशिश करें कि अगर जैसे कि कोई अन्य फसल है अवशेष है, जैसे धान की फसल की अवशेष है, तो उसको आप मल्चिंग कर दें, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी उसमें खरपतवार आते हैं वो भी कम हो जाएंगे, उसमें नमी भी बढ़ जाएगी, और उसमें क्या है कि आपका उत्पादन पे भी इसका असर पड़ता है। और साथ में जैसे अभी आपके खेत में आप सरसों की फसल आप देख रहे होंगे, तो उसमें अगर जैसे कि दाने बन चुके हैं, फूलें आ चुकी हैं और दाने फलियों में दाने बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में आपकी जो है नमी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए, तो उसके लिए आप खेत में अच्छी हल्की जो है वो आप सिंचाई करें। और खासकर जैसे हम सिंचाई की बात करें तो सरसों में कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है, आप डिपेंड करता है आपकी मिट्टी किस प्रकार की हो। तो उसमें क्या है कि जैसे कि अभी आपकी सिंचाई अगर फलियां लग रही हो तो उसमें आपका एक हल्की सिंचाई अवश्य करें, तो इससे क्या होता है कि आपके जो उत्पादन होती है और दाने जो बनते हैं वो अच्छे बनते हैं। खास करके जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी की जो हमारी फसल रहती है, तो इसमें आप देखेंगे अभी बहुत अच्छी फसलें लहलहा रही होती हैं, उसमें आपकी फूलें भी आ चुकी हैं और इसमें जो है वो दाने भी बन रहे हैं फलियों में। तो उसमें क्या होता है कि आप ये देखें कि इसमें अभी के समय में जो किसान देर से बुआई करते हैं, लेट बुआई करते हैं, तो उसमें क्या होती है कि उसमें लाही जो हमारी कीट होती है लाही, तो उसका असर ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है उसकी अगर अधिक संख्या हो गई तो उससे क्या होता है हमारे फसल जो है बर्बाद भी हो जाते हैं और पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, मतलब पैदावार किसानों को नुकसान होता है। तो उस केस में अगर लाही आप देखेंगे, जो लाही की पहचान होती है आप देखेंगे उसमें आपके जो पत्ते हैं या फिर उसके जो डेंटल हैं मुलायम डेंटल हैं, या फिर उस पर देखेंगे कि हमारे फूल हैं या हमारे उस पर फलियां हैं, तो उस पर क्या होता है ये आती हैं और इस पर उसके रस को चूसती हैं, तो इससे क्या होता है कि पौधे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे कि इसमें स्प्रे करें आप रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए लाही के, तो उसके लिए क्या होता है जैसे डाइमेथोएट आता है तो उसकी करीब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें, या फिर कॉन्फिडोर भी आता है तो उसकी भी आप 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। तो इससे आप देखेंगे कि इससे आपकी लाही पर नियंत्रण हो जाएगा, और अगर आवश्यकता होती है तो 10 से 12 दिन के बाद एक बार पुनः इस पर आप छिड़काव करें। इससे क्या है कि लाही एक प्रमुख इसमें शत्रु कीट है, जिसे कि और खास करके यह भी आप ख्याल ध्यान दें कि जब उसमें फूलें लग रही होती हैं तो आप इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना करें, जैसे कि प्रांगण जो हमारी होती है जैसे कि सीड सेटिंग होती है, तो उस पर प्रतिकूल असर ना पड़े। खास करके आप इसमें बीमारी के भी आप लक्षण देख सकते हैं, तो जैसे इसमें श्वेत कीट टाइप की बीमारी आती है, इसमें क्या देखेंगे कि आप जो पत्तों पे या टहनियों पे जो है वो सफ़ेद रंग के फफोले हो जाते हैं, उसका जो चूर्ण जब यह फटता है तो विषाणु टाइप दिखता है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप इसमें कम जो बीजोपचार करें, जैसे आप बीज जब लगा रहे होते हैं धान आपकी इसके सरसों की, तो उसमें क्या होता है कि आप बीजोपचार जरूर करें, जैसे कार्बन डाइजाइम है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको बीजोपचार कर लें, तो इसके जो रोग की संभावना कम हो जाती है। और अगर आपकी यह रोग दिख रहे होते हैं तो जैसे मैनकोजेब जो है M45 जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस पर छिड़काव करें, या जैसे ब्लाइटॉक्स भी आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसकी भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इस पर छिड़काव करें, तो इससे क्या है कि आपको इससे नियंत्रण हो जाएगी। या फिर आप देखेंगे इसमें पत्र लांछन भी एक बीमारी होती है, इसमें कि पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और वो पत्तियां सूखने लगती हैं, तो उसके लिए भी, और साथ में जैसे कि आपका ये हरदा एक बीमारी आती है जो क्रिट कहते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि पत्तों पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और डंटलों पे जो देखेंगे तो उसमें काले रंग के धब्बे बन जाते हैं लंबे से, तो इसके नियंत्रण के लिए भी क्या है मेनकोजेब जो दवा आती है तो उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, खास करके जब आप सरसों की फसल की खेती कर रहे हों, जैसे मैंने बताया कि उचित किस्मों का आप चयन करें, और उसके बाद जैसे कि आप अगर इसमें तोरी को ले रहे हैं तो T9 है या PT 303 है या शिवानी है, इसका इस्तेमाल करें। या जैसे आप राई की कर रहे हैं तो राई में जैसे कि आप इसमें जो है पूसा बोल्ड लें, क्रांति लें, तो यह सब अच्छी किस्में हैं झारखंड के लिए, तो इसकी बुआई करें और सही समय पर बुआई करें। और साथ में खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, और जैसा कि मैंने आपको बताया कीट और व्याधि प्रबंधन, इसको आप अच्छे ढंग से करें और सही समय पर इसको काटें जब हमारी 75% होती है। और खास करके जब काटने में ख्याल रखें कि अर्ली सुबह में आप काटें, ताकि दोपहर के बाद काटने से सीड सेटरिंग होती है, बीजें झड़ जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो जाता है उत्पादन में। इस तरह से आप अच्छे ढंग से आप सफलतापूर्वक जो है सरसों की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं झारखंड प्रदेश में।